हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अश्विताज किचन। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि मेरे सभी रेसिपीज के अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं फेस्टिवल स्पेशल मिठाई कोकोनट रोल। इसे बनाना बहुत ही आसान है। दिखने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, टेस्ट में भी बढ़िया है। ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कप फ्रेश कोकोनट ले और इसका जो ब्राउन पार्ट होता है वो मैंने पील कर लिया है। ये नारियल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। अभी मिक्सर ग्राइंडर में डाल के चर्न करेंगे। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। वन फोर्थ कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। एक कप मिल्क पाउडर, तीन छोटी इलायची, सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है और गूंथ लेना है। क्योंकि हमने फ्रेश नारियल यूज़ किया है तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है जिससे ये डो बन जाएगा। अगर थोड़ा मॉइस्चर कम लग रहा है तो आप एक या दो चम्मच मिल्क ऐड कर सकते हो। ये रेसिपी आप ड्राई कोकोनट से भी बना सकते हो, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मिल्क डालना पड़ेगा गूंथने के लिए। अब इस मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक पार्ट में हम येलो फूड कलर डालेंगे। आप कोई भी फूड कलर यूज़ कर सकते हो, लिक्विड या फिर जो पाउडर मिलता है। आप चाहो तो इस येलो वाले पार्ट में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही रख दिया है। अभी एक बटर पेपर पे व्हाइट वाला हिस्सा लेंगे और बेलन पे थोड़ा सा घी लगा के रेक्टेंगुलर शेप में इसे बेलेंगे। इसमें थोड़े से क्रैक आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे बाद में फिक्स कर देंगे। रेक्टेंगुलर शेप में अभी ये बेल लिया है। अभी इस साइड्स को ऐसे दबाते हुए सभी क्रैक्स को फिक्स करेंगे। अभी जो येलो वाला पार्ट है वो लेंगे और उसे एक सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे रोल करेंगे और इसे स्मूथ बनाने के लिए ऐसे रोल करेंगे बटर पेपर पे। अभी व्हाइट वाले शीट पर रख के इसे रोल कर लेते हैं।
फिर से थोड़ा सा रोल करके इसे अच्छे से रैप करते हैं। अभी इस रोल को बटर पेपर पर रैप करेंगे और फिर सेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे 1 घंटे के लिए। एक घंटे बाद हमने रेफ्रिजरेटर से ये रोल निकाल लिया है। अब बटर पेपर हटाएंगे और इस मिठाई रोल को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। अब एक पिस्ता लेंगे और सेंटर में रख के ऐसे प्रेस करेंगे। एक कोकोनट रोल सर्व करने के लिए तैयार है। फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है तो ये बिना मेहनत वाली मिठाई तो बनती है। अभी इसे ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मुझे कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।